but I really love this plant pot design. So guys, I have three wardrobes here. So this is the first one, this is the second one, and this is the third one. Okay, so this is the first piece and ye complete blunder hua hai mere saath. Hi guys, welcome to my channel and welcome to my series Thursdays with Tanya. Aaj hai Saturday, to aaj hai organizing day. क्योंकि आज ही एक दिन मिलता है जिसमें मुझे सारा घर का काम करना होता है. काफ़ी टाइम से लॉन्ड्री बास्केट में इतने सारे कपड़े रखे गए हैं, आई हैव टू टेंड टू दैट. प्लस जो ड्राई बालकनी है वो मेरा सबसे फेवरेट रूम है, बट अभी वो एकदम मेस्ड अप है. काफ़ी टाइम से मैंने उसको ना साफ़ सफाई नहीं किया है, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इज़ वेल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये प्लांट पॉट दिखाना चाहूँगी. मैं अभी फ़िलहाल गई थी एक एग्जीबिशन में जो मेरे ऑफिस के पास में ही था, एंड ये मुझे प्लांट पॉट मिला. कितना प्यारा लग रहा है, एंड मैंने ये ग्रीन कलर में लिया है, एंड दिस वाज फॉर 150 रुपीज़, एंड इसका क्वालिटी भी बहुत ही प्यारा है. एंड मैंने जानबूझ के यहाँ पर ग्रीन रखा है क्योंकि एक तो ये प्लांट भी काफ़ी थोड़ा डार्क ग्रीन है, तो मैंने थोड़ा लाइटर ग्रीन में ये शेड रखा है. एंड ये जो मेरे कैंडल्स थे वो इसके साथ मैच कर रहे थे, एंड आई ऑल्सो हैव दिस डाइनो थोड़ा डार्क ग्रीन में, तो काइंड ऑफ यहाँ पे ग्रीन थीम चल रहा है. एंड आई रियली लाइक दिस प्लेस. और ये हमारा मंदिर का डोर, अगर मैं थोड़ा सा मूव करूँगी, सो दिस इज द मंदिर का डोर, तो इसके साथ एक कॉन्ट्रास्ट बेटर, सो इट लुक्स रियली नाइस. एंड मैंने एक बड़ा सा प्लांट पॉट भी लिया है, लेट मी शो यू दैट. ये है वो बड़ा वाला प्लांट पॉट. एक्चुअली यहाँ जो एसी का पाइप है ना, तो यहाँ से जो पानी गिरता है पहले ज़मीन में गिरता था, तो हमने यहाँ पे एक प्लांट रख लिया है, तो प्लांट को भी पानी मिल जाता है. बट आई रियली लव दिस प्लांट पॉट डिज़ाइन. आई एम गोइंग टू गेट अनदर वन इन द सिमिलर डिज़ाइन, बट ये बहुत ही प्यारा प्लांट पॉट है. द क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली गुड, एंड दिस वॉज फॉर ओनली 350 रुपीज़. सो अभी ये वाला जो प्लांट पॉट है ना, मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, बट वो जो सिरामिक वाला प्लांट पॉट है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. तो आई विल गो टू द एग्जीबिशन अगेन, वो मार्च 15 तक ओपन है. आई विल गेट अ प्लांट पॉट फॉर दिस प्लेस. एंड यहाँ पे भी एक है, एंड दिस लुक्स रियली नाइस, बट आई जस्ट नीड टू रिप्लेस दिस वन. गाइस, आज काफ़ी स्पेशल लंच बन रहा है. आज अभिमन्यु बना रहा है मटन करी, एंड मुझे उसका प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है. मटन करी विथ राइस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट, एंड आज बन रहा है लाइक आफ्टर 4 मंथ्स. लेट मी टेक यू गाइस टू द किचन एंड दिखाती हूँ कि अभी तक क्या क्या प्रिपरेशन हो गया है. अभी व्हाट्स अप, क्या चल रहा है अभी? जस्ट मटन शुरू हुआ है अभी बनना. आई जस्ट वॉश देम properly, and we have rice. Okay. So super basmati rice. That's what we will have today, and some masala rakha hua hai abhi. Just ये सब मसाले started. Yes. चलेंगे. There's some of the masala. So ये कौन सा मसाला है भाई? देगी मिर्च. देगी मिर्च for the color. Okay. कश्मीरी चिल्ली, हल्दी. ये सब labels हमें वापस change करने पड़ेंगे, अभी बहुत ही खराब condition में हो गए. And we have ghee. I love when he puts ghee. And chilies. I love chilies in the mutton curry. थोड़ा रेड चिलीज, एंड राइस भी अच्छा है, एंड ये फॉर द स्पाइसेस खड़ा मसाला लाइटनेस, एंड ऑफकोर्स मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल. इससे जो टेस्ट आता है ना वो अलग लेवल का होता है. या सो अभी प्रेपरेशन एकदम, मतलब मैरिनेशन बाकी है, राइट? ओके, कूल, ऑल द बेस्ट. ओके गाइस, फाइनली द मटन करी इज रेडी, एंड इट लुक्स रियली गुड. अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है. Thank you so much. बहुत ही प्यारा लग रहा है, एंड वो तो अलग ही लेवल में ले जाता है. जस्ट लुक, उसने कुकम्बर, कैरेट, बीटरूट, अनियन सब काट के रखा हुआ है. आई मीन बहुत ही अच्छे से मुझे ट्रीट देता है जब भी वो कुक करता है ना, इज जस्ट फैबुलस. मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ. दिस इज द राइस. मैं बिल्कुल स्पून से नहीं खाने वाली हूँ, मैं हाथ से ही खाने वाली हूँ, एंड ऑफकोर्स थम्स अप बिकॉज आई नीड इट विथ माई मटन करी. इतना हैवी मील के बाद आई नीड समथिंग नाइस, यू नो, एंड थम्स अप इज माई फेवरेट. सो या, वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस लंच. सो गाइज, बॉस को अभी घूम के आया है, ना अभी उसका ग्रूमिंग चल रहा है. सो ये डेली ग्रूमिंग चलता है उसका, बट वीकडे में उसका पैटर्न डिफरेंट है, एंड वीकेंड में इसका पैटर्न डिफरेंट है. सो कल वो नहा चुका था, सो शाम को मैंने उसको पाउडर एंड स्प्रे लगाया था. आज भी मैं वही पाउडर और स्प्रे लगा रही हूँ, बट वीकडे में उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहता है. मैं उसको कैम्फर और ऑयल वो दोनों मिला के उसमें लगाती हूँ, क्योंकि आजकल उसको टीक्स बहुत हो गए हैं, ब्रूनो को भी और इसको भी. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. बॉस्को इज 11.5 ईयर्स ओल्ड, एंड आज तक मैंने उस लेवल का टीक नहीं देखा था, बट रिसेंटली पता नहीं क्या हुआ, सम लाइक फ्यू मंथ्स पहले ही ये स्टार्ट हुआ, और अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में हो गया था.
वो मेडिसिंस ले रहा है, स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट भी हुआ, स्टिल इट वॉज नॉट हेल्पिंग. बट नेचुरल वे यू नो कैम्फर और ऑयल होता है, इट हैज हेल्प्ड अ लॉट एक्चुअली. मैं सुबह देखती हूँ यू नो काफ़ी सारा टीक निकलता है उससे. एंड अभी यू नो बहुत सारे अंडे भी हो गए थे, सो इट्स ग्रोस. आई नो इट्स लाइक टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट इफ़ यू हैव डॉग्स एंड आप ही ऐसे कुछ सफर कर रहे हो, सो यू कैन ट्राई लाइक यू नो कैम्फर विथ ऑयल. बट बाबू एकदम यू नो ही इज इंजॉइंग हिज मसाज, ही रियली लव्स हिज ग्रूमिंग सेशन. उसका ऐसे ना अच्छा अच्छा स्मेल आता है ना अपने बॉडी से, उसको बहुत अच्छा लगता है. गाइस अभी मैं अपने स्टडी रूम में हूँ एंड आई वांटेड टू शो यू कि अभी मैंने ने मुझे क्या दिया था ऑन वुमेन्स डे. गिवन मी दिस ब्यूटीफुल प्रिंट आउट जिसमें मेरा फोटो है, बॉस्को है, 8th March, एंड देयर इज अ मैसेज विशिंग अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू द मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ माई लाइफ. सो स्वीट, इट्स लाइक रियली रियली स्पेशल. एंड इसके साथ उसने मुझे काफी सारे लाइक चॉकलेट्स एंड कुछ और गिफ्ट्स भी दिए थे, बट दिस वॉज लाइक सो क्यूट. पहले वो मेरा यू नो स्केचेस भी बनाता था, बट नाउ ऑफकोर्स टाइम भी नहीं होता है तो उसको स्केच बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है. बट दिस इज लाइक सो क्यूट. एंड पीछे आप देख सकते हो कितना मेस्ड अप है ये सब कुछ. मुझे एक्चुअली यू नो फोल्ड करके रखना है, ये लॉन्ड्री से आया है एंड इसको फोल्ड करके रखना है. पीछे आप देख सकते हो एक पार्सल है ना 3 चीज़ों का. ओ गॉड, वो कल आया था एंड मैंने बस उसको ऐसे ही रख दिया था. सो वो मिंत्रा के कुछ पार्सल्स हैं, मैंने कुछ कुर्ताज मंगवाए थे. आई डू अ ट्राई ऑन हॉल प्रॉबेबली इन दिस ब्लॉग इट सेल्फ, बट या लिटिल बिट लेटर. अभी मैं काफ़ी यू नो मेसी हूँ, बट या आई विल बी डूइंग ऑल द यू नो ट्राई ऑन हॉल टुडे. ओके गाइज, लेट्स डू द ट्राई ऑन हॉल. एंड वी हैव बॉस्को हियर, ही वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्राई ऑन हॉल, सो या वाई नॉट. सो बेसिकली मैंने 4 आइटम्स मंगवाया था फ्रॉम मिंत्रा. And it was for like office wear. And I always want pockets. And I want like 2 number of pockets. तो Myntra में एक filter है जहाँ पर आप कुर्ता select कर सकते हो. And आप filter ये भी डाल सकते हो number of pockets. So I had selected 2 pockets. So yeah, let's see. But अभी मेरे पास सिर्फ 3 ही items आए हैं, एक अभी तक आया नहीं है. So the one that has not come is from W. And I hope it should be here by tomorrow. अगर जब आ जाता है तो I'll definitely include that as well. But for now, let's try these 3 items. Okay, so this is the first piece and ये complete blunder हुआ है मेरे साथ. मैंने मंगवाया था blue color कुर्ता. I'm not sure ये कैसे ये color आ गया है. Plus मुझे office wear के लिए चाहिए था and this is too gorgeous. Definitely the dress is very pretty. In fact नीचे भी इसमें you know काफ़ी work है. But yeah, this is not something that I had ordered. It is not solving my purpose. I really don't know how come it happened like this, because Myntra never does this kind of blunder. I have never experienced this, but this is definitely not what I ordered. So yeah, I'll have to return this, guys. Hey guys, so this is the next item and ye hai ek black kurta from W brand. So basically maine 2 kurta order kiya tha from W. Luckily this one has arrived and isme 2 pockets hai, which is a really practical thing to have. प्लस इसका जो डिज़ाइन है यहाँ पे ये भी मुझे बहुत पसंद आया. प्लस इसके नीचे में भी यू नो एक डिज़ाइन है विच आई रियली लव्ड. इसके बैक में देर आर लाइक 3 buttons विच ऑफकोर्स आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ, बट इट्स फाइन, आई लिव विद दिस. बट येस, द मटीरियल इज रियली कम्फर्टेबल. या आई एम रियली लाइकिंग दिस, आई एम गोइंग टू कीप दिस वन. सो दिस इज द नेक्स्ट आइटम एंड ये है कफ्तान टाइप ऑफ कुर्ता. ये मैं स्पेसिफिकली ऑफिस के लिए नहीं मंगवाई थी, ये मैं हाउस पार्टीज के लिए मंगवाई थी. बट सैडली इसमें पॉकेट्स नहीं है, आई डोंट नो वाई, बिकॉज ये मुझे मिला ही था वो वाले ही सेक्शन में जहाँ पे मैंने फिल्टर किया था विथ नंबर ऑफ पॉकेट्स. बट आई रियली लव दिस यू नो कफ्तान. आई डोंट हैव लाइक मच ऑफ कफ्तान काइंड ऑफ आउटफिट्स एंड दिस वुड बी सच अ ग्रेट एडिशन टू माई वॉर्ड्रोब. आई रियली वॉन्ट टू कीप दिस. आई नो इसमें मेरा यू नो कर्व्स इतना प्रॉपरली नहीं दिख रहा, बट आई रियली लाइक दिस एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल. बट पॉकेट्स वुड हैव बीन लाइक अ ग्रेट एडिशन टू दिस कुर्ता, बट आई मीन कफ्तान. बट चलेगा, आई मीन रख लेती हूँ बिकॉज इट्स वेरी वेरी कम्फर्टेबल. आई लाइक दिस मटीरियल, इट्स लाइक प्योर कॉटन. प्लस इसके जो हैंड्स है ना एकदम प्रॉपरली यहाँ पे बना है ये होल. अगर बहुत बड़ा होता है ना बहुत ही गंदा दिखता है, बिकॉज यू नो यू कैन सी द अंडर आर्म्स. आई रियली डोंट लाइक दैट. सो या, दिस लुक्स गुड एंड या वेरी नाइस. आई वॉन्ट टू कीप दिस वन, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लुक फॉर सम मोर काइंड ऑफ यू नो कफ्तान काइंड ऑफ आउटफिट्स विद पॉकेट्स. क्योंकि घर पे भी यू नो यू नीड काइंड ऑफ पॉकेट्स, स्पेशली वेन यू हैव सो मेनी गेस्ट्स अराउंड, यू वॉन्ट योर मोबाइल फोन एंड एवरी थिंग यू नो. ये तो यहाँ वहाँ रह जाता है, देन इट बिकम्स रियली हेक्टिक टू लुक फॉर इट. बट या, आई लाइक दिस, आई एम गोइंग टू कीप दिस वन. दिस इज द रैम्प वी हैव गॉट
अप फॉर बॉस को ताकि वो बेड पे आराम से चढ़ पाए, क्योंकि अभी वो 11.5 ईयर्स ओल्ड है. उसको थोड़ा जॉइंट पेन हो रहा है, स्पेशली व्हेन ही जंप्स फ्रॉम दैट बेड. काफ़ी हाइट है ना हमारा बेड का प्लस मैट्रेस का, इसलिए हमने ये रैंप मंगवाया है. बट आई होप ही इज कम्फर्टेबल विद दिस, यू नो, विद दिस रैंप टू गेट ऑन द बेड. नॉर्मली वो इस पे जंप करता है एंड देन वो जंप करता है टू द बेड एंड वो डायरेक्टली जंप करता है टू द ग्राउंड. बट आई होप ही इज एबल टू वॉक अप एंड डाउन ऑन दिस. ओके गाइज, अभी मैं अपने क्लोजेट रूम में हूँ एंड नाउ इट्स टाइम टू ऑर्गेनाइज माई क्लोथ्स. बट लेट मी शो यू द प्लान. सो गाइज, आई हैव 3 वार्डरोब्स हियर. सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन. जितने मेरे लॉन्ग ड्रेसेस हैं या फिर कॉट सेट्स हैं, मैं यहाँ पे रखती हूँ बिकॉज इसमें काफ़ी बड़ा सा, यू नो, हैंगिंग एरिया है. प्लस काफ़ी सारे मेरे पास ड्रॉयर्स है विद ग्लास फेशिया. तो जितने मेरे ट्राउजर्स एंड कॉट सेट्स हैं, मैं इस वाले वार्डरोब में रखती हूँ. एंड इस वाले में जितने मेरे जैकेट्स, ब्लेजर्स एंड लाइक स्वेट शर्ट्स मैं यहाँ पे रखती हूँ. एंड जो एथनिक वेयर है या फिर कुर्ताज एंड लाइक, यू नो, लेगिंग्स एंड ऑल, आई कीप इट हियर. हैव सम क्लोथ्स हियर व्हिच हैज कम फ्रॉम ड्राई क्लीनिंग. सो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द आउटफिट, आई प्लेस देम इन द वार्डरोब्स. सो दिस इज द फर्स्ट पीस एंड एक स्वेट शर्ट है जिसमें सल्यूट लिखा है. ये मैंने पटाया में पहना था द फर्स्ट डे जब मैं जा रही थी फ्रॉम मुंबई टू पटाया. एंड एंड ऑल्सो कम्स विद दिस पैंट्स. So, but this one will go in the second wardrobe and this one will go in the first wardrobe because first wardrobe mein I have all my sweatshirts, but the trousers will go in the second wardrobe. स्कर्ट एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पर्पल स्कर्ट. एंड ये भी मैंने थाईलैंड में पहना था, आई थिंक इन बैंकॉक. एंड आई रियली लव दिस स्कर्ट. मैंने ये लिया था इन द ईयर 2020 एंड तब से, यू नो, द स्टाइल इज स्टिल देयर बिकॉज द कलर इज ओनली सो यूनिक एंड सो ब्यूटिफुल. बट आई एम गोइंग टू कीप दिस इन हियर बिकॉज यहाँ के जो सेकेंड ड्रॉयर में है, आई कीप ऑल माई स्कर्ट्स हियर. आई एम गोइंग टू कीप इट हियर. Next, I have some 3 long format outfits. I have this printed dress. I have this white color jumpsuit and a denim maxi dress. I got like lots and lots of likes for this white jumpsuit. Even it was my favorite and I'm really happy that I got this one. I have to keep them in this section. So this is like all color coordinated. I have this white section, then some pinkier section, blue section in here, then green and some like nude and beige. And then the black ones, and these are like long blazers and some overcoats. लास्ट वन इज दिस वाइट कॉटसेट. ये मैंने आइलैंड टूर में पहना था इन पटाया. बट दिस मटेरियल इज वेरी प्रोन टू रिंकल्स. आई डोंट वॉन्ट टू फोल्ड देम एंड कीप देम इन द ड्रॉयर सेक्शन. आई वॉन्ट टू हैंग देम. सो लेट मी हैंग दिस इन द वाइट सेक्शन. Guys, we are done with the organization and we have come to the end of this vlog. I hope you guys enjoyed watching today's vlog. If you have made this far, thank you so much, guys. Hope you are having a wonderful day today and I'll see you in my next vlog. Bye.